ग्रेडिंग शुरू करने के लिए पहले हम अपने व्यू मेनू में जाएंगे और ग्रेडिंग टेबल को व्यू करेंगे। फिर हम उसमें साइज रेंज डालेंगे। इसके लिए ग्रेडिंग मेनू में जाकर साइजेस को चुनें। साइजेस के नाम डालने के लिए साइज नेम में क्लिक करेंगे। यहाँ हम मीडियम को बेस साइज बना रहे हैं। मीडियम से छोटा साइज डालने के लिए इंसर्ट पर क्लिक करें और फिर साइज का नाम डाल दें। इंसर्ट बटन फिर क्लिक करें और साइज का नाम डालें। मीडियम से बड़े साइज डालने के लिए मीडियम पर क्लिक करें, फिर अपेंड पर क्लिक करें और लार्ज लिखें, फिर एक्स्ट्रा लार्ज। हम इसे डबल एक्सेल तक ग्रेड करेंगे। जब काम हो जाए तो क्लोज पर क्लिक करें। अब आप वापस से ग्रेडिंग में जाकर साइजेस चुनें। यहां आप साइजेस पर राइट माउस क्लिक करके जिस कलर में अपने साइज को डिस्प्ले करना चाहते हैं वह चुन सकते हैं। राइट माउस क्लिक और कलर चुनें और बेस साइज को कभी भी यहां क्लिक करके बदल सकते हैं। मीडियम हमारा बेस साइज है। आप किसी भी ग्रेडिंग पॉइंट से ग्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। हम ग्रेड पॉइंट नंबर 1 पर क्लिक करते हैं। हम इसे एक्स एक्सिस में 1 इंच ग्रेड करना चाहते हैं। हम छोटे साइज में क्लिक करके बड़े साइज तक ड्रैग करेंगे, फिर छोटे साइज में वैल्यू डालेंगे। यदि हम पॉजिटिव 1 इंच डालकर एंटर करें तो हमें सभी साइजेस में 1 इंच बढ़ती हुई ग्रेडिंग मिल जाएगी। पॉइंट नंबर 2 में हम फिर क्लिक करके ड्रैग करेंगे, 1 इंच टाइप करेंगे और एंटर करेंगे। फिर हम वाई एक्सिस में क्लिक करके ड्रैग करेंगे, फिर -0.5 टाइप करेंगे, एंटर करें। अपने आप मीडियम से बड़े साइज